तो गाइस अगर आप ये प्रोडक्ट मंगाना चाहते हैं तो जो लिंक है वो मैं देखिए डिस्क्रिप्शन में, आप इसको इजीली परचेस कर सकते हैं। हेलो गाइस, व्हाट्स अप, दिस पंकज एंड यू आर वाचिंग रिव्यू एपिसोड। सो गाइस, आज हमारे पास है ये एम्बिएंट लाइटिंग, रैली कंपनी की तरफ से आती है, रैली की तरफ से अमेज़न से मंगाई है। इसको ओपन एटमॉस्फेयर लाइट भी बोल सकते हैं। तो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं क्या कुछ आता है इसके अंदर। तो पैकेजिंग काफ़ी अच्छी आ रही है। सो ये हमारा प्रोडक्ट, इसमें ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 LED लाइट्स हैं। और यहाँ देखिए, आप यहाँ पे लिखा कार एटमॉस्फेयर लाइट, और ये डेकोरेशन काम आती है इंटीरियर में। और तो कुछ इसमें मेंशन है नहीं। और ये मुझे पड़ी थी 430 रुपये की, और ये अमेज़ॉन पे मैंने देखा तो बेस्ट सेलर है ये। और कुछ इस टाइप में अच्छे से बिल्कुल पैकेजिंग की हुई आती है। यहाँ पर आपको ये मिलेगा इसका रिमोट, रिमोट में बैटरी भी इंसर्ट की गई है। रिमोट यहाँ पे इसको लाइट अप, लाइट डिम करने का ऑप्शन, यहाँ पे कलर वाला ये दिखेंगे बाद में। साथ में ये आपका जाएगा जो आपका आप चार्जिंग सॉकेट होता है उसमें जाएगा ही। ये आपको मिलेगी बंद चालू करने की मशीन बटन, और ये जो केबल है ये इस अडाप्टर में लगेगी ऐसे। और इसमें चार दे रखी हैं, इसमें दो आगे लगेंगी, दो पीछे के फुटेज में लगेंगी। इसमें आपको देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हैं। और यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पे आपको साइड में टेप दे रखी है जिसे आप उसको इजीली फिट कर सकते हैं, माउंट कर सकते हैं। और इसमें मैं दिखाऊँ उसकी वायरिंग क्या कितनी लंबी आती है इसकी, तो यहाँ पे उसमें कुछ इस टाइप की वायरिंग आती है। और यहाँ मिलेगा आपका इसका सेंसर, जो आईआर सेंसर बोल सकते हैं इसको अपन, जो आपकी जो रिमोट है उसको कैच करेगा और फेंकेगा लाइट। तो केबल जो है वो काफ़ी लंबी है, आपके लिए सफिशिएंट लेंथ है केबल की। और इसमें जो केबल्स हैं दो छोटी हैं और दो बड़ी हैं। जो बड़ी हैं वो जाएंगी पीछे की साइड, और जो शॉर्ट्स हैं वो लगेंगी आगे। आगे इसको आपका जो फुट रेस्ट है, और ये फ्लेक्सिबल भी है। सो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल अच्छी लग रही है, फ्लेक्सिबल भी है। और प्लग एंड प्ले उसका काम है। सो गाइस, इसको ओपन करेंगे गाड़ी में इंस्टॉल, उसके दिखाएंगे आपको उसकी लाइटिंग कैसे क्या मिलती है। सो गाइस, हमने हमारी जो आपकी जो एलईडी स्ट्रिप्स थी, हमने एटमॉस्फेयर लाइट्स जो रैली की तरफ से थी उसको हमने कर दिया है प्लेस। यहाँ दिखेंगे आप, इसको हमने हमारी जो सीट्स हैं फ्रंट सीट्स वहाँ पर लगा दिया है। रियर सीट्स में हमने इसको यूज़ करा है, यहाँ दिखाऊंगा मैं आपको। तो यहाँ पर दिखेंगे आप, यहाँ पर हमने इसको कर दिया प्लेस यहाँ। और इसकी जो वायर है वो हमने निकाली है, मतलब जो रिमोट की वायर है वो हमने निकाली है ड्राइवर साइड से। तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पर हमने आईआर सेंसर, तो हमने यहाँ पे इसको लगाया है। ये देखेंगे आईआर सेंसर ये रहा, यहाँ पे हमने इसका आईआर सेंसर निकाला है। और यहाँ पे आप इसको करते हैं ऑन, देखते हैं किसी की आपको परफॉर्मेंस मिलती है। तो यहाँ हमने करते हैं इसको ऑन, तो यहाँ पर हमने कर दिया इसको ऑन। और ये जो कलर है वो काइन कलर है। आई होप ये जो हमारा कैमरा है वो आपको जस्टिस करेगा, और हमारा जो कैमरा है वो लाइट को जस्टिस करेगा। यहाँ हम करते हैं लाइट को चेंज और देखते हैं, पहले हम करते हैं इसका फ्लैश बंद। सो गाइस, अब हमने कर दिया हमारे फ्लैश को बंद, यहाँ रिमोट ये रहा। तो अब इसको हम करते हैं पहले कलर चेंज, देखते हैं कौन कौन से कलर आपको मिलते हैं। यहाँ देखेंगे आप, तो ये है रेड कलर, और यहाँ पर आपको मिलेगा ग्रीन, यहाँ ब्लू, यहाँ आपको मिलेगा वाइट, यहाँ आपको मिलेगा पर्पल, यहाँ आपको मिलेगा कनकाइन, यहाँ आपको मिलेगा येलो, एंड यहाँ आपको मिलेगा ऑरेंज। ये सब कलर दिए गए हैं। अब हम इसमें आपको ब्राइटनेस कम ज़्यादा करके दिखाते हैं कि ब्राइटनेस कम ज़्यादा होने पर ये कैसा लगता है। तो ब्राइटनेस अभी है फुल, अब ब्राइटनेस कम करते हैं। तो कम हम करते हैं इसकी ब्राइटनेस को, और यहाँ पे जो ब्राइटनेस आप कम होते वो देख रहे होंगे। तो ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा कम भी हो जाती है, और आपको अच्छी खासी ब्राइटनेस भी अवेलेबल हो जाती है। और अब हम ट्रांसफ़र होते हैं यहाँ पे इस पर जंप ऑप्शन पे। जंप में आपको फोर ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन, तो फर्स्ट में क्या है, जो लाइट है इस कुछ इस टाइप के पैटर्न में आपको मिलेंगी जो ऑटोमेटिकली चेंज हो रही हैं। सेकंड में अगर जाएँ तो सेकंड में आपको इस टाइप का मिलेगा मोड। थर्ड में जाएँ तो थर्ड में देखेंगे आप, पहले धीरे धीरे ग्लो होती हैं सारी लाइट्स यहाँ पे, और कलर चेंज हो जाते हैं इसके। उसके
फिर फोर्थ देखेंगे तो फोर्थ में भी कुछ आपको इस टाइप का इफेक्ट मिलता है, लेकिन थोड़ा सा अलग है, डिफरेंस है। अब इसमें आपको इंटरेस्टिंग म्यूजिक सिस्टम भी दिया गया है, जिसमें क्या होता है कि आपका जो लाइटिंग है वो आपके म्यूजिक के हिसाब से चेंज होगी, म्यूजिक आउटपुट उसके हिसाब से। तो मैं देखेंगे आप, मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं म्यूजिक के हिसाब से। तो पहला है ये, अगर मान लीजिए हम चुप हो जाते हैं बिल्कुल चुप, तो लाइट ऑटोमेटिक चेंज होगी। लेकिन अगर मान लीजिए हम कुछ वो करते हैं वेव साउंड, देखेंगे आप चेंज, तो गाइस जैसे देख सकते हैं आप जो हमारी लाइट हैं वो हमारी जो साउंड आउटपुट उसका से चेंज हो रही है। यहाँ पे भी आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं अलग अलग टाइप के, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे अलग अलग टाइप के ऑप्शन दिए गए हैं। हेलो 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 हेलो, तो देखेंगे आप इस टाइप से कुछ चेंज हो रहे हैं। अब हम जाते हैं म्यूज़िक, और अब हम देखते हैं म्यूज़िक चला के तो वहाँ पर आपको कैसा ऑप्शन मिलता है, देखते हैं। सो गाइस अब हमने हमारा फ़ोन कनेक्ट कर दिया है, यहाँ देखेंगे आप उसको करते हैं प्ले म्यूज़िक। और गाइस जैसे मैं म्यूजिक बंद करा, बंद यहाँ लाइट देखेंगे आप हो जाएगी बिल्कुल बंद। सो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप ये टाइप की लाइट खरीदना चाहते हैं तो लिंक है वो हमने दे रखी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाइए परचेस करिए। और जो प्रोडक्ट है मैं जो मैंने मंगाया है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आया है, अच्छी पैकेजिंग में आया है, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल अच्छे से रनिंग कर रहा है।